हेलो दोस्तों, तो आज मैं लाया हूँ एक फिनो मर्चेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो। तो आप वीडियो में बने रहें, हम आपको आज सिखाएंगे कि आप अपने फिनो मर्चेंट आईडी से अपने खाते में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन अपने मोबाइल या पोस्ट मशीन को खोलना है, उसमें आपको ये इस तरह का मिंत्रा एप्लीकेशन को ओपन करना है ये, और इसमें आपको अपना आईडी लॉगिन करना है। जैसे मैं अपना लॉगिन आईडी कर ले रहा हूँ, ये मेरा आईडी है और पासवर्ड है इसका ये। इस तरह से आईडी पासवर्ड आप अपना डाल सकते हैं, फिर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ये इस तरह का आता है, इसको आप ओके कर दीजिए। यहाँ बैलेंस चेक कर लीजिए, आपके खाते में बैलेंस कितना है। मेरे खाते में 15,350 रुपये है, 15,350। इसमें से जैसे आपको खाते में डालना है, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिए जिस मोबाइल से ये बना हुआ है। तो मेरा है 84 35 35। ये इसमें मेरा दो अकाउंट ऐड है, ये मैं अपने पहले अकाउंट में क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह से आपका इंटरफेस खुल जाएगा, इसमें आप रेमिटेंस पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ इस तरह से टाइम लगाता है ये। यहाँ ऑलरेडी आपका अकाउंट दिखेगा, आप IMPS में करेंगे तो जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा, NEFT करेंगे तो थोड़ा लेट से आएगा। मेरे खाते में पैसा कितना था, 15,350, और मैं अभी 15,300 रुपये कर लेता हूँ। ये कैलकुलेट चार्ज कर लेते हैं, कितना चार्ज लेगा ये सेटलमेंट करने का। लाइन पे बने रहिए, थोड़ा समय लगता है। ये देखिए 15,305, 5 रुपया चार्ज लगता है। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करते जाइए। यहाँ पर OTP मांगेगा, अभी हम OTP देंगे, मेरे मोबाइल में भी OTP आएगा। चढ़ गया मेरा 97 80, ये नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे खाते में पैसा आ गया, देख लीजिए। इसको हम चाहें तो आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर यहाँ से आपका पर्ची निकल जाएगा। मेरा प्रिंटर ख़राब है जिसकी वजह से पर्ची नहीं निकल रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, गैलरी में आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिनिश कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आप बैक ले लीजिए, बैक आके यहाँ पर देखिए आपके खाते में 15,350 रुपये था, और 15,305 रुपये कटने के बाद 45 रुपये बचा है। ठीक है, हो गया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और आपको इससे रिलेटिव जिस तरह का भी वीडियो चाहिए आप मैं कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसी तरह का आपको वीडियो बना के भेजूँगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब करना ना भूलें।